गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन और अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। द ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेट टू बी डैम्प्ड ऑसिलेशन इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज कंटिन्यूसली ड्यू टू सम फ्रिक्शनल फोर्सेज। यानी कि अगर मान लो कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है और उसका जो ये एम्पलीट्यूड है, देखो जो मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अगर पार्टिकल का ये जो एम्पलीट्यूड है ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अगर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, और डिक्रीज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सम फ्रिक्शनल फोर्सेज। तो इस तरह के ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं क्या? डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि ऐसे मोशंस के अंदर जो है यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो पार्टिकल की क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी कह सकते हैं इसको। तो इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्सेज आर एबसेंट, मीनिंग जैसा कि यहाँ पर था, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेज प्रेजेंट थे, जबकि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है? एबसेंट है। एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड, और टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी ड्यूरिंग द मोशन, एंड हेंस द सिस्टम विल ऑसिलेट विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कॉन्स्टेंट है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? उसका कॉन्स्टेंट रहेगा। ये देखो हमने कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर शो किया है। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं इस तरह के ऑसिलेशन को हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो दो तरह का ये हमारा ऑसिलेशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो नेक्स्ट टाइप का ऑसिलेशन हमारे पास है फ्री ऑसिलेशन। क्या होता है? ए सिस्टम इज सेट टू बी इन फ्री ऑसिलेशन। एक सिस्टम को हम बोलेंगे वो एग्जीक्यूट करता है, कैसा मोशन एग्जीक्यूट करता है? फ्री जो है ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करता है, सेट टू बी एग्जीक्यूट फ्री ऑसिलेशन। कोई भी सिस्टम है वो फ्री ऑसिलेशन में कब होगा? इफ ऑन बी डिस्प्लेस्ड, मीन पोजीशन। यानी कि अगर हम इसको मीन पोजीशन से क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, इट ऑसिलेट इटसेल्फ विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मीनिंग अगर बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना करे तो पार्टिकल जो है अपने आप ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। ए सिस्टम इज सेट टू बी एग्जीक्यूट फ्री ऑसिलेशन इफ ऑन बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजीशन इट ऑसिलेट इटसेल्फ विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। यानी कि एक बार डिस्टर्ब करना है सिस्टम को मेन पोजीशन से, या डिस्प्लेस करवाना है उसको, उसके बाद बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, सिस्टम अपने आप जब ऑसिलेट करेगा, तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं क्या? फ्री ऑसिलेशन। और उसका जो टाइम होगा, टाइम जितना वो टाइम लेगा इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उस टाइम को बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, इज नोन एज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्री ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम राइट कर सकते हैं न्यू नोट जो आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 pi और के डिवाइड बाई एम। ऐसे हम इसको राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है
फ्री ऑसिलेशन के बाद नेक्स्ट टाइप का जो ऑसिलेशन हमारे पास है फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो मीनिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होगा यहाँ पर, इसका मीनिंग हमें एक फोर्स लगा रहे हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर उसको ऑसिलेट करवाने के लिए, कोई भी पीरियोडिक फोर्स हम वहाँ पर एक्सर्ट करेंगे। तो अगर हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन करवाना है तो हमें उसके ऊपर जो है कंटिन्यूस मैनर में क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स और ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी कि अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, व्हेन ए सिस्टम इज कंपेल्ड जब किसी सिस्टम को हम कंपेल करते हैं यानी कि फोर्सफुली उसको मूव करवाते हैं हम, तो ऑसिलेट व्हेन ए सिस्टम इज कंपेल्ड टू ऑसिलेट विद ए फ्रीक्वेंसी अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें ऑसिलेट करवाना है किसी अदर फ्रीक्वेंसी के साथ जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग हो। तो इस तरह के ऑसिलेशन के में के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन को हम बोलेंगे क्या, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इस तरह के ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे हम, फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन के, तो एग्जाम्पल में हम इसका लेते हैं ट्यूनिंग फोक का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। व्हेन द स्टेम ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज प्रेस्ड अगेंस्ट द टेबल। यानी कि जब किसी हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक होता है, इस तरह का हमारा मेटल का ट्यूनिंग फोक होता है, इसको हम स्टेम बोलते हैं इसकी है, और ये इसकी प्रोंग्स होते हैं। यानी कि जब हम ये जो स्टेम होते हैं इसको हम कहाँ पर टेबल के ऊपर जो है प्रेस करते हैं, टेबल के ऊपर इसको हम जोर से मारते हैं, तो क्या होगा, द टेबल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अगेंस्ट द टेबल, प्रेस्ड अगेंस्ट द टेबल। यानी कि जब हम इसको वाइब्रेट करवाने के बाद, ठीक है, क्या करवाने के बाद, वाइब्रेट करवाने के बाद टेबल के ऊपर प्रेस करेंगे, प्रेस करना हमें टेबल के ऊपर, हिट नहीं करना टेबल के ऊपर, क्या करना है इसको प्रेस करना, ऐसे लगाएंगे तो टेबल जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, टेबल क्या करना शुरू कर देगी, वाइब्रेट, द टेबल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, टेबल जो है वो वाइब्रेट शुरू कर देगी करना। तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा टेबल के अंदर, वो वाइब्रेशन कैसा होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन किसके अंदर, टेबल के अंदर, इन द टेबल आर फोर्स्ड वाइब्रेशंस। यानी कि एक ट्यूनिंग फोक को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे सबसे पहले हम, और फिर उसको क्या करेंगे, इसका जो स्टेम है इसको हम टेबल के ऊपर लगाएंगे, ऐसे टेबल के ऊपर लगाएंगे इसको, टेबल वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो टेबल के अंदर जो वाइब्रेशन होगी वो वाइब्रेशन किस तरह की आएगी, हमारी फोर्स्ड वाइब्रेशन आएगी। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास वाइब्रेशन का है रेजोनेंट वाइब्रेशन, रेजोनेंट वाइब्रेशन। तीसरा टाइप हमारे पास आ गया रेजोनेंट वाइब्रेशन, ए सिस्टम और बॉडी इज सेट टू बी
या सेट टू एग्जीक्यूट। रेजोनेंट वाइब्रेशन, यानी कि किसी सिस्टम को हम बोलेंगे उसके अंदर किस तरह का वाइब्रेशन है, रेजोनेंट वाइब्रेशन है व्हेन इट ऑसिलेट। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, ए सिस्टम और बॉडी सेट टू बी एग्जीक्यूट रेजोनेंट वाइब्रेशन व्हेन इट ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेगा वी नॉट के साथ विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हूज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऑफ द बॉडी और सिस्टम कह सकते हैं हम, मीनिंग रेजोनेंट ऑसिलेशन में क्या है, हमें सिस्टम को ऑसिलेट करवाना है एक फ्रीक्वेंसी के साथ जो किसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, जो कि क्या हो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिस्टम को उसी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हमें ऑसिलेट करवाना है। बट उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, यानी कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, लेकिन फोर्स जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए, तब हम बोलते हैं ऑसिलेशन को रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर करें अगर कुछ, तो जैसे द पिनम जो हमारे पास डाइजेस्टर होता है, रेजोनेंस कॉजेज डाइजेस्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं तो काफ़ी डाइजेस्टर होता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो इस दौरान क्या होगा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग की जो होती है वो जो है अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, दोनों मैच कर जाती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये मीनिंग डाइजेस्टर के टाइम जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थ की और जो वेव्स जो प्रोड्यूस होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाती है। व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बिल्डिंग बिकम्स equal to the frequency of the periodic vibration present in the earth during earthquake, यानी कि जो अर्थ की बिल्डिंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अर्थ के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है उनकी नेचुरल यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो क्या होगा, देन द बिल्डिंग
बिल्डिंग जो होगी हमारी स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिल्डिंग्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी विद लार्ज एम्पलीट्यूड। जिसकी वजह से एंड हेंस इट कोलैप्स, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाएगी। तो ये जो है हमारा एक तरह से एग्जांपल हो गया किसका, रेजोनेंट ऑसिलेशंस का। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है सोल्जर्स ऑफ मार्चिंग ट्रूप्स। Are ordered to break their steps. यानी कि सोल्जर जब मार्च पास्ट करते हैं तो उनको उनके स्टेप को ब्रेक करने के लिए कहा जाता है while crossing over a bridge. While crossing over a bridge. जब वो ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हैं ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ of the steps of the soldiers it starts vibrating with large amplitude। And hence, gets damaged. Meaning क्या है कि जब soldier marching करते हैं तो उनको step जो है break करने के लिए कह दिया जाता है जब वो bridge के ऊपर से cross करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है, because if the frequency of bridge, अगर मान लो frequency की जो ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी जो है सोल्जर्स के स्टेप के साथ मैच कर जाए तो ब्रिज जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, जिसकी वजह से ब्रिज क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज से बचने के लिए सोल्जर्स को स्टेप्स जो है वो ब्रेक करने के लिए क्या दिया जाता है। थैंक यू वेरी। एक लास्ट टाइप का ऑसिलेशन और रह गया, कपल्ड ऑसिलेशन। तो कपल्ड ऑसिलेशन क्या होता है, the two or more oscillations two or more oscillations linked together, यानी कि एक साथ अगर दो या दो से ज़्यादा oscillation link हो गए in such a way that the exchange of energy takes place between them। यानी कि अगर दो ऑसिलेशन एक साथ जो है लिंक होंगे और उनके बीच में क्या हो जाएगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। एनर्जी का क्या हो जाता है, उनके बीच में एक्सचेंज। तो तब हम जो है उनका जो ऑसिलेशन होगा उसको बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेशन। आर कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेशन। यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज अगर दो ऑसिलेशन से बीच में होता है जो एक दूसरे के साथ लिंक हो, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेशन। तो इसके भी एग्जांपल है हमारे पास, टू सिंपल पेंडुलम्स
विद देयर बो अटैच्ड टू ईच अदर। By means of a spring, ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कपल ऑसिलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। मीनिंग अगर हम ऐसे एक सिंपल पेंडुलम हमने ले लिया, दूसरा सिंपल पेंडुलम ये हमने ले लिया, ये दो सिंपल पेंडुलम हमने लिए हैं, और इन दोनों के बीच में अगर यहाँ एक स्प्रिंग लगा दें, ठीक है, तो ये जो इनका ऑसिलेशन होगा वो किस तरह का ऑसिलेशन होगा, कपल्ड ऑसिलेशन होगा।